आत्मार्थी जीवो, पांच भाव के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक इन तीन भावों पर चर्चा करने के उपरांत औदिक भावों के 21 भेदों के ऊपर हमने चर्चा प्रारंभ की है, जिसमें एक कक्षा में तो हमने ये कहने का प्रयास किया कि कर्म 148 होने पर भी उनके उदय संबंधी भाव मात्र 21 ही क्यों है, उसमें कौन कौन से कर्म किस किस में अंतर्गर्भित होंगे ये बताने का प्रयास किया था। एक में चारों गतियों का संक्षिप्त स्वरूप देखा था, गति और आयु का सामान्य अंतर देखा था और एक चार्ट भी हमने देखा था, है ना, वो कषाय, वो तो कषाय संबंधी देखा था। गति में फिर हमने तीन चार्ट्स बनाए थे, आपको याद होगा, एक तो उदय, बंद, सत्ता, तीनों अपेक्षा चर्चा की थी और फिर कषाय की तरफ हम बढ़े थे। एक आपको याद आ रहा होगा, यहाँ से एक प्रकरण भी पढ़ा था धवल का, कुछ मैंने कहा था कि मनुष्य नरक की चर्चा थी जिनकी सत्ता में, प्रश्न उनका ये कहना था जिसकी सत्ता में जो हो कर्म उसी अपेक्षा से उसको इसी आयु वाला कहा जाए, अथवा जो गति का उदय है उसी आयु वाला उसको कहा जाए। तो उसमें कहा था इसमें तो विरोध खड़ा होगा, याद आ रहा है आपको। तो फिर हमने कषाय प्रारंभ किया था जिसमें हमने अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चारों का सामान्य स्वरूप बोर्ड के माध्यम से हमने देखा था। यह भी बताया गया था कि कषाय में प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन ये दो ही कषाय चौकड़ियाँ गर्भित समझना यहाँ पर, क्योंकि मिथ्या दर्शन में अनंतानुबंधी गर्भित हो जाएगी और असह्यत में अप्रत्याख्यानावरण गर्भित हो जाएगी। यह तक विषय सबको क्लियर है मुझे लग रहा है ना। फिर कषाय की भी चर्चा करने के उपरांत हमने क्रोध मान माया लोभ का भी, हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, क्रोध मान माया लोभ का सामान्य स्वरूप देखा था हमने, नहीं परिभाषा नहीं देखी थी शायद उसकी, दूसरों का बुरा करने का भाव ये क्रोध कहते हैं, इसलिए क्रोध कषाय ये अनिष्ट कल्पना से उत्पन्न हुई कषाय है, यह कषाय द्वेष रूप है। ध्यान रखना, क्रोध और मान ये दोनों द्वेष रूप प्रकृतियां है और माया और लोभ ये दोनों राग रूप प्रकृतियां है। आप समझते हो ना, 25 कषायों में 13 कषाय तो राग रूप होती है और 12 कषाय द्वेष रूप होती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, क्रोधमान, ये सब द्वेष रूप प्रकृतियां है 8, और राग रूप प्रकृति 8 कौन सी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, माया लोभ, ये राग रूप 8 प्रकृतियां। उन 9 कषाय में हस्य रति और 3 वेद, ये राग रूप प्रकृतियां है और भय जुगुप्सा अरति शोक ये 4 द्वेष रूप प्रकृतियां है। इतना सा समझना कि जिसमें हटाने का भाव हो परिस्थिति को वह द्वेष रूप प्रकृतियां, और जिसमें जोड़ने का भाव हो, पास लेने का भाव हो, वह राग रूप प्रकृति। जैसे शोक, शोक में क्या चाहता है आदमी,
इस शोक का जो प्रसंग खड़ा हुआ है उसको हटाना चाहता है कि नहीं, और हास्य का जो प्रसंग है उसको इष्ट चाहता है कि अनिष्ट? इष्ट। इसलिए हास्य तो जाएगा राग में और शोक तो जाएगा, ऐसा हर जगह लगाना, हास्य रति में लगाना, अरति में लगाना, शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक, जुगुप्सा का जो विषय उसको हटाना चाहता है कि नहीं? हटाना चाहता है। भय का विषय हटाना चाहता है। वेद का विषय जुटाना चाहता है, ठीक है, और भी लगा लेना, क्रोध का विषय है उसको हटाना चाहता है, और मान का विषय है उसको भी हटाना ही चाहता है। जैसे किसी बात को लेकर हमको मान कषय हो रही है, मान कषय कब उत्पन्न होती है? अब कोई ऐसी बात हमें ख्याल में आए कि उनको तो परोसा, हमको नहीं पहले लाकर परोसा, तो क्यों, हम भी तो कुछ है, तो हम अमुक प्रसंग को हटाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे सामने आनी चाहिए थी पहले बात। ये किसका प्रतीक है? ये मान का, अभी द्वेष का प्रतीक है, ये हटाना चाहता है ऐसे प्रसंग से। और अहम होने लग जाए किसी को देखकर कि इसने मुझे मना कर दी, हटाना चाहता है ऐसे वस्तुओं को, क्रोध मान और माया लोभ। माया और लोभ में वस्तु को ग्रहण करने का भाव होता है, एक तो छल से ग्रहण करने का भाव और एक तो वैसे ग्रहण करने का भाव, लेकिन वो जुटाना चाहता है माया और लोभ में। आप समझ रहे हो सब, ये सब कषायों का स्वरूप समझना, क्रोध मान माया लोभ, और फिर नौ कषायों का भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कल कषायों में ही थोड़ा भेद भी किया था हमने, आपको याद होगा तो, संक्लेश और विशुद्ध परिणाम, जिसमें संक्लेश और विशुद्ध की तीन तीन परिभाषा बनाई थी, क्रोध मान माया लोभ का तीव्र उदय और क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय, ऐसा संक्लेश और विशुद्ध में अंतर किया था। दूसरा अंतर विषयानुराग धर्मानुराग, संक्लेश परिणाम में विषयानुराग है, ठीक है। और तीसरी साता अधिक कर्म प्रकृतियों में बंध में कारणभूत परिणाम विशुद्ध परिणाम, और असाता अधिक प्रकृति के बंध में कारणभूत परिणाम संक्लेश। उसमें बताया था जहां पर साता कहेंगे वहां पर अविनाभावी रूप से आठों प्रकृति समझना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें साता में, साता के साथ साथ ये तो वेदनीय की हुई, गोत्र की उच्च कही थी और नामकरण की छह प्रकृतियां कही थी, सुभग सुस्वर यशस कीर्ति आदि स्थिर शुभ, ठीक है, ये छह प्रकृतियां कही थी। वो आयु क्यों नहीं ली फिर इसमें? क्योंकि आयु का लेखा जोखा थोड़ा सा अलग सा चलता है, इसके समान नहीं चलता है, ठीक है। चलते हैं अभी देखिए, और एक प्रश्न है, वैसे क्रोध मान माय लोभ कषायों को सेटल करके ही आगे बढ़ते हैं हम, क्रोध मान माय लोभ इन चार कषायों में कौन सी हेय है और कौन सी उपादेय है, ये समझेंगे थोड़ा सा। तो देखिए क्रोध मान माया ये तीनों हेय है, सर्वथा हेय है, दुखरूप ही है, लेकिन लोभ है ना वो कथनचित हेय और कथनचित उपादेय है। क्यों कथनचित है कथनचित उपादेय? क्योंकि लोभ में दो प्रकार का लोभ होता है, एक तो प्रशस्त लोभ और एक तो अप्रशस्त लोभ। स्त्री पुत्र मकान दुकान धन संपत्ति भोग के सामग्री की प्राप्ति की चाह, यह अप्रशस्त लोभ, और धर्म धर्मायतन साधर्मी विद्वान मुनि चतुर्थकाल संयम आदि की भावना चाह होना, यह प्रशस्त लोभ में आएगा। इसलिए लोभ को कथनचित है और कथनचित उपादेय कहा जाता है। और वैसे बाद बाकी विचार करें तो चारों का शायद तो दुखरूप ही है, उसने ऐसे तो लोभ भी दुखरूप है, लेकिन पुण्य को कथनचित उपादेय कहते हैं ना, तो उसने ऐसे अपने घटित करने का प्रयास किया है। समझ में आ रहा हो तो हाथ ऊपर करिएगा, जिनको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोलिए। क्रोध मान माया लोभ प्रशस्त लोभ अप्रशस्त लोभ,
जो अभी अभी बोल रहा था ना मैं, विषयानुराग और धर्मानुराग, बस यही तो है वो, और क्या है? धर्मानुराग, धर्मी, धर्मायतन, देवालय, साधक जीवों के प्रति आदर भाव, उनका समागम चाहना, ये धर्मानुराग। और विषयानुराग, भोग, भोग्य सामग्री की चाह रखना, ये सब विषयानुराग हो जाएगा। दोनों लोभ के ही अंतर्गत आएगा, प्रशस्त और अप्रशस्त। चलना है आगे, क्लियर हो रहा है विषय? तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो भाई तुषार, चलना है आगे? अक्षत, चलो आगे। कशे की दो परिभाषा क्या कही थी, कोई बताएगा? और एक कही थी, कृषति, मतलब क्या कहा था? कृषति का अर्थ, बराबर बराबर, कृषि कहते हैं ना, कृषि, एग्रीकल्चर को, जिस प्रकार किसान बीज बोता है और फल की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन आदि के बीज बोकर संसार के महादुख फल की प्राप्ति यह जीव करता है, ठीक है? और रात दिन ये जुताई चलती रहती है, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। अभी गुणस्थान की अपेक्षा चर्चा हमको करनी है ना, गुणस्थान की अपेक्षा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अनंतानुबंधी, अप्रत्यखनावरण, प्रत्यखनावरण और संजुलन, इस अपेक्षा से विभाजन है ही नहीं। यहाँ पर क्रोध, मान, माय लोभ, ये चार अवधिक भाव है। कौन से? क्रोध, मान, माय लोभ। इसलिए हम सीधा बोले, अनंतानुबंधी आदि जाति की तरफ से भेद नहीं करके, क्रोध, मान, माया, इन तीनों का सद्भाव पाया जाता है नवे गुणस्थान तक। और लोभ का, ब्रैकेट में लिखिए, सूक्ष्म लोभ का सद्भाव दसवें गुण स्थान तक पाया जाता है। आप सब समझ रहे हो? ठीक है, कितने जन फॉलो कर रहे हैं बात को? समर्पित नहीं आया आज, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, गुणस्थान समझ में आ रहे सबको? आपको, आप में से कितने जनों को याद है, एक बार हमने ये देखा था कि अरहंत भगवान के 63 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है, वो कैसे कैसे होता है? कोई याद करके बता सकेगा? बिना देखे कोई पता प्रयास करेगा क्या? 63 प्रकृतियों का कैसे नाश की चर्चा की थी हमने, बोलिए। वो तो आपने सही बोला, आपने 12 गुणस्थान के हिसाब से बोला। 12 गुणस्थान के प्रथम भाग में मोहनीय का क्षय होता है, इसीलिए तो क्षीण मोह गुणस्थान का नाम है। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का नाश 12 गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, इसलिए तो चार अनंत चतुष्टय की प्राप्ति 13 गुणस्थान के प्रथम समय में कही। ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन और भी कुछ खुलासा किया था 63 प्रकृतियों के बारे में? आपने तो इतनी सी प्रकृतियां बताई, और कुछ बताया था मैंने? क्या 12वें गुणस्थान के, 12वें गुणस्थान के उपांत्य समय में कितनी प्रकृतियों का नाश कहा था? निद्रा संबंधी कुछ कही थी 12वें गुणस्थान में, और भी कुछ प्रकृतियों का नाश कहा था, कौन कौन सी? देखिए आपको याद होगा तो हमने कहा था, सुनिए, 8वें गुणस्थान में हमने देखा था दर्शनावरण की 3 प्रकृतियों का नाश देखा था, आपको याद होगा, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्थान वृद्धि, ये 3 तो ये गई थी वहां पर। और क्या देखा था हमने? और हमने देखा था 13 नाम कर्म की प्रकृति का नाश देखा था 8वें गुणस्थान में, याद आ रहा है? नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का नाश 8वें गुणस्थान में देखा था। ये तो उन्हीं के संभव है जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है, जो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ रहा हो उसके संभव नहीं है, क्योंकि वो उपशम श्रेणी वाला मात्र दबाता जाएगा। ओके, और क्या कहा था, किसी को याद है? बोलिए। अरे भाई अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं,
आप तो 148 कर्म का बोलने लग गए, मैं तो 63 प्रकृति का पूछ रहा हूं आपको। 63 प्रकृति का हुआ था कि नहीं, जिसमें मैंने ये कहा था आठवें गुण स्थान में नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का नाश होता है और 3 आयु का नाश उससे पहले ही हो जाता है। चौथे गुण स्थान में नरक आयु का, पांचवें गुण स्थान में तिरेंच आयु का नाश होता है और सातवें गुण स्थान में मनुष्य देव आयु का नाश होता है ना, सप्तम से ही निकल कर चला जाता है। मैं आपको पूछने वाला हूं फिर से, और नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का नाश आठवें गुण स्थान में कितनी प्रकृति हो गई है, 16, 3 आयु की और 13 नाम कर्म की, 16 हो गई। अभी कितनी प्रकृति है हमको चाहिए, 47, और ये 47 कौन होगी, सभी घाती कर्म होगी है। तो इसमें से निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि थी ना ये, तो ये इनका नाश कहा था अपने आठवें गुण स्थान में, आपको याद होगा कहा था निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि, और आठवें गुण स्थान में हमने फिर 9 कषयों का भी अभाव कहा था, हो गए 9 कषय भी चले गए। फिर हमने देखा था कि अनंत ये सात्विक गुण स्थान तक जो क्षपक है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है, उसके अनंत अनुबंधित चतुष्क और मिथ्यात्व दर्शन, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये भी नहीं रहेंगे, उसके 7 प्रकृतियों का तो उसका क्षय ही हो गया है क्षायिक सम्यक दृष्टि का, तो ये 7 तो पहले ही चले गए। और फिर मैंने ये भी कहा था कि अनंत, फिर अनंतानुबंधी तो पहले ही चली गई थी, अप्रत्याखनावरण और प्रत्याखनावरण ये कन्वर्ट होगी संज्वलन रूप, और फिर संज्वलन क्रोध ये जाएगी मान रूप, मान होगी माया रूप संक्रमित हो होकर, है ना। और फिर ये कहा था फिर 10वें गुणस्थान के प्रथम समय में अथवा 9वें गुणस्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ रह जाता है, बादर कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि कुछ याद आ रहा है, और दर्शनावरण की कितनी प्रकृति बची, 6, उन सब का वह अपने 12वें गुण स्थान में कहा था, कुछ उपांत्य समय में और कुछ अंतिम समय में, ठीक है ना। निद्रा और प्रचल प्रचला का अपने उपांत्य समय में कहा और अंतिम समय में चक्षु अचक्षु अवधि केवल इनका अभाव। अब कौन बताएगा 63 प्रकृतियों के नाश का हमने विवरण कैसे बताया, मैंने अभी 63 प्रकृतियों के नाश का विवरण मैंने कैसे बताया। कोई नहीं बताएगा सिवाय समकित के, बोलो समकित। उसमें पहले तो सैतालीस घाती कर्म संबंधी में से तीन प्रकृति का नाश हो जाता है, निद्रा प्रतिला प्रतिला और स्यान। पहले तो और भी ये बताओ, सातवें गुण स्थान तक आयु की, एक मिनट नहीं, अभी घाती कर्म का ही बोलना है ना आपको, तो घाती कर्म का ऐसा बोलो 47 कर्मों में से 7 कर्म सातवें गुण स्थान तक क्षय हो जाते हैं, अनंत अनुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सातवें गुण स्थान तक मतलब चौथे में भी हो सकता है क्षय सम्यक, तो पांचवें में भी हो सकता है, छठे में भी हो सकता है, सातवें में भी हो सकता है, लेकिन सातवें में तो होगा ही होगा, क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है ना अभी, तो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव क्षय सम्यक दृष्टि तो नियम से होता है, तो 7 प्रकृति तो पहले नाश हुई घाती कर्म की। अभी बोलो आठवें गुण स्थान में क्या होगा, नहीं अभी घाती कर्म को ही पूरा करो पहले, 47 बोलो कैसे, 47 में से 7 का हिसाब दे दिया आपने, 40 का हिसाब दो, निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि ये 3 चली गई 90 में, कितनी रही 37, अभी 37 का हिसाब 9 कषाय गई कितनी रही 29 रही, अब 29 में से अप्रत्यखन और प्रत्यखनावरण ये 8 संज्वलन रूप हो गई, 29 में से 8 हटाओ कितनी 21 रही, अरे बोलो कुछ सही है ना, हाँ 21 हो गई ना, 21 सुनो अभी 21 रही, अभी इसमें से और 12वें गुण स्थान में 21 में से ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 6, 11 हटा दो और अंतराय की 5, 16 हटा दो, कितनी बची 5 बचे अभी भी, तो बची रही किसकी जानी है फिर अभी, और 5 ज्ञानावरण दर्शनावरण, हाँ नहीं 47 का ही हिसाब देख रहे ना अभी अपन,
अब यहाँ वहां का हिसाब नहीं चल रहा है, 47 का हिसाब कौन बताएगा मुझे, बताएगा कोई? हाँ, क्रोध, मान और माया, ये तीन भी चली जाएगी। 47 सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, पकड़ में आ रहा है 47 कर्म कैसे गए इसके? अभी अपने तीन का हिसाब नहीं मिल रहा था ना, कितने का? पांच का नहीं मिल रहा था, दो और भी दो, तो फिर और दो कौन से लेंगे फिर? चलो फिर से एक बार हिसाब कर लो, 47 कर्म अपने को घटाने, तो अनंत अनुबंधित चतुष्क और मिथ्या दर्शन समय, मिथ्या दर्शन में प्रकृति कितने गए? 40 बचे और हाँ, तो अब निद्रा निद्रा प्रचल प्रचल स्थान वृद्धि, ये 9वीं 8वीं में गई, 37 बची, फिर 9 कषाय यही पर गई, 28, फिर अप्रत्यक्ष अनावरण और प्रत्यक्ष अनावरण क्रोध मान माया लोभ कितनी बची? 20 बची, फिर अभी हाँ, फिर संज्वलन क्रोध मान माया हटा दो और लोभ, लोभ भी हटा दो, क्योंकि लोभ हटेगा 10वें में, 10वें के अंत में हटेगा ना, उसको अपने लिया ही नहीं था अभी, क्रोध मान माया लोभ भी हटा दो संज्वलन का, कितना? ओके, फिर सुनिए अभी, 16 रही प्रकृति हटाना, 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और दर्शनावरण की 6 हो गई, 11 हो गया, 47 का हिसाब कितने जन को समझ में आ गया? मतलब 9वें गुण स्थान में अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन क्रोध मान माया, कितनी? ये 8 और 3 11 गई है, चारित्र मोहनी की 11 गई ना, ये कितने जन को समझ में आ रहा है? 11 गई कि नहीं 9वें गुण स्थान में अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन क्रोध मान माया? ओके चलो, ये 47 गई, फिर 3 आयु कैसे गई? सत्ता में से ही चली गई, चौथे गुणस्थान में नरक आयु की सत्ता गई, पांचवे में तिरंच आयु की सत्ता गई, सातवें गुणस्थान में देवायु की सत्ता गई, ये हो गया। और फिर 13 नाम कर्म की प्रकृतियां 8वें गुणस्थान में चली गई। ए, जब से अपन क्या 9वें गुणस्थान बोल रहे क्या? नहीं, अपन ने 9वें देखा था कि तब 9वें गुण स्थान आना चाहिए, ये सब 9वें गुण स्थान में लेना है, ठीक है? हाँ, 9वें गुण स्थान बोल रहे हैं ना अपन, बराबर ही तो बोल रहे, फिर 9वें गुण स्थान में, ठीक है? 9वें गुण स्थान में ये सब इनका नाश बोलना, किनके? नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का चलना है। तो क्या बात है, क्या समस्या है भाई, कोई प्रश्न है क्या? हाँ, कुल 9वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का नाश हुआ बताना मुझे जरा, कुल मिलाकर 9वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का नाश होगा कुल मिलाकर? 13 नाम कर्म की, फिर चारित्र मोहनीय की कितनी लेंगे? 19, कैसे 19? 9 कषाय, 8 और 3 11 20, 20 लेंगे मोहनीय संबंधी, नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, और अनंत, सॉरी, अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण 4 और संज्वलन क्रोध मान माया 9वें में ही गए ना सब ये, और 3 निद्रा निद्रा प्रचल प्रचल स्थान वृद्धि, कुल 9वें गुणस्थान में 36 का अभाव होता है, सप्तम से चली जाती है, समझ रहे हो? हाँ, सब 9वें में चले जाते हैं, 9वें में 36 प्रकृतियों सप्तम में से नाश हो जाती है, समझ में आ गया? लेकिन वो क्रमिक विकास होगा उनका, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कैसे होगा, बोलिए। हाँ, क्षपक श्रेणी की चर्चा चल रही है, उपशम श्रेणी वाला नाश नहीं करता जाता है, उपशम श्रेणी वाला दबाता जाता है, उसकी सत्ता में 146 प्रकृतियां देख सकते हैं आप, कितनी? ऐसा लिखा है उपशम श्रेणी में, उपशम 11वें गुणस्थानवर्ती जीव की सत्ता में 146 प्रकृतियां पाई जाती है, दो कौन सी नहीं पाई जाती मालूम? नरक आयु और तिरंच आयु, ये दो आयु सत्ता में नहीं रहती है, आप समझ रहे हो? और ये तो सब क्षपना करता ही आ रहा है। ओके चलो।
अभी क्या देखना था वैसे हमको? हाँ हाँ हाँ, देखिए अब मैं थोड़ी और एक चीज बताना चाहता हूँ आपको. देखो आपको इतना बस, नव्य गुणस्थान के 9 भाग आप लिखो. प्रथम भाग में, प्रथम भाग ये सुनो सुनो, इस तरफ लिखो नव्य गुणस्थान का भाग एक कॉलम, और इस तरफ लिखो कितनी प्रकृतियां सत्ता में से हटी. तो प्रथम भाग में से लिखो, प्रथम भाग के आगे नाम कर्म की 13 तथा दर्शनावरण की स्त्यान ग्रद्धि आदि 3. स्त्यान ग्रद्धि निद्रा निद्रा प्रचल प्रचल, ठीक है, ये आप सबको मिल जाएगा 333 पेज पर, 325 पेज वोमसर कर्मकांड भाग 2 गाइड. द्वितीय भाग में 25 द्वितीय भाग में अप्रत्यक्ष अनावरण 4 और प्रत्यक्ष अनावरण 4 इनका नाश हो जाता है. हाँ, 8 का नाश हो गया ना, यहाँ पर नाश होता चलेगा क्योंकि क्षपक श्रेणी है. उपशम श्रेणी होती तो एक दूसरे रूप कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. तीसरे भाव में नपुंसक वेद का अभाव होगा. दूसरे भाग में क्या होगा भाई? अरे अभी तो अपन ने देखी थी, अपन बस भागों में विभाजित कर रहे, कुल कितनी प्रकृतियां देखनी है अभी हमको? 36 तो देखनी है, लेकिन वो 9 भागों में कैसे विभाजित है उसको देख रहे हैं हम. क्यों देख रहे हैं उसको? और एक कारण है, क्योंकि अभी 9 कषाय का भी प्रकरण चलना है, तो वहां पर भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी. तीसरे भाग में किसका अभाव लिखा? तीसरे भाग में नपुंसक वेद का, ठीक है. चौथे भाग में स्त्री वेद का अभाव. पांचवे भाग में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा बचे हुई 6-9 कषाय का अभाव, हास्य आदि 6 कषाय का अभाव. छठवें भाग में पुरुष वेद का अभाव लिखा, ठीक है. किसने कहा ये? मैंने तो अभी लिया ही नहीं है, मैं लूंगा आपको बाद में, ठीक है. पुरुष वेद कौन से गुणस्थान तक? नवे गुणस्थान के 6 भाग तक. आप में से कितने जनों ने सुना है ये वेद मुनियों को भी नवे गुणस्थान के सवेद भाग तक पाया जाता है? नहीं सुना आप में से? मुनि को चरणानियोग ब्रह्मचारी कह देता है 6 गुणस्थान में महाव्रति, लेकिन कर्णानियोग को पूछो तो कर्णानियोग कहेगा कि 9 गुणस्थान के सवेद भाग तक, 6 भाग तक पुरुषवेद पाया जाता है. तीसरे भाग तक, तीसरे भाग में नपुंसक वेद का अभाव, पांचवे भाग में, चौथे भाग में स्त्री वेद का अभाव, और 6 भाग में पुरुषवेद का अभाव, ठीक है. चलिए आगे, फिर सप्तम भाग में लिखो संज्वलन क्रोध का अभाव, आठवें में संज्वलन मान, नवे में संज्वलन माया, और लिखिए फिर ब्रैकेट में नीचे लिखो संज्वलन, सॉरी, 9 गुणस्थान के अंतिम भाग में तथा 10 गुणस्थान के प्रथम भाग में सूक्ष्म लोभ का, संज्वलन लोभ का उदय, संज्वलन लोभ. सातवें भाग में क्रोध मान, 9 में माया, माया का अभाव तो रहेगा क्या? लोभ रहेगा, वही 10 गुणस्थान के प्रथम समय में है. ये जो मैंने अभाव कहा है ना, ये अंत भाग में होगा. जैसे मैंने पुरुष वेद कहा तो 6 गुणस्थान के अंत भाग तक तो रहेगा, 6 गुणस्थान में अभाव होगा, मतलब 6 गुणस्थान के अंत में अभाव होगा,
आप समझ रहे सब, मतलब सातवें गुणस्थान के पहले समय में आपको मिलेगा, तभी तो यहाँ पर अपन लगाएंगे नवे गुणस्थान के अंतिम समय में। बोलो, संज्वलन माया का अभाव और संज्वलन लोभ का, सूक्ष्म की बात है, लोभ का उदय, वो दसवें गुणस्थान तक में भी चलता रहता है। ठीक है, बोलो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए भाई, हाँ नहीं नहीं, नौ में संज्वलन लोभ का भेद क्यों नहीं है कौन बताएगा? क्योंकि नवे गुणस्थान के अंत में ही सूक्ष्म लोभ आ जाता है, और यहाँ पर वो अंत की बात नहीं है क्या, यहाँ पर सत्ता की बात है। सत्ता किसकी है? पूरे नवे गुणस्थान में अंतिम भाग तक किसकी सत्ता है? संज्वलन माया तक की अंतिम समय में, और फिर सत्ता उसका नाश होता है अंतिम समय में, और फिर सूक्ष्म लोभ हो जाता है, वो तो अंतिम समय में ही हो जाता है सूक्ष्म लोभ। सुनियो सुनियो, नवे भाग में किसकी सत्ता है? संचलन माया की सत्ता है, और नवा भाग खत्म होने को हुआ और दसवें गुणस्थान का प्रथम समय हुआ, वहां पर संचलन लोभ होगा। चलना है आगे, अभी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। चलो मैं आगे, बोलो। हाँ सुनिए, मैं ये कह रहा हूं चरणानुयोग है ना, चरणानुयोग छठवें गुणस्थान में ही मुनियों को ब्रह्मचर्य महाव्रति कहता है, लेकिन कर्णानुयोग ऐसा सूक्ष्म कथन करता है कि मुनियों को नवे गुणस्थान के छठवें भाग तक, सवेद भाग तक भी उनके मैथुन संज्ञा पाई जाती है। यहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक होंगे तो उठाओ पांच छह, चल जल्दी, तो आपको और थोड़ा क्लियर कर दूंगा मैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा तो उठा दो आप, तो मैं थोड़ा क्लियर करके दे रहा हूं आपको। बस लो भाई जल्दी कोई उनके हाथ में से। हाँ अभी पेज नंबर सब खोलिएगा, पेज नंबर सब खोलिएगा 275। देखिए 276 पेज मिला सबको, 276 सेकंड लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? पढ़ो भाई। सेकंड लास्ट कथा कहीं जिसकी व्यक्तिता कोई भाषित नहीं होती, तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व कहा है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि नवे गुणस्थान परेण मैथुन संज्ञा कही है। अब कितने जन को समझ में आ रहा है? अब समझ में आ गया ये क्यों पढ़ाया मैंने? वेद नवे गुणस्थान तक है ना, वो अपन सूक्ष्म देख रहे, सूक्ष्म क्या देखा? छठवें भाग तक, और यहाँ पर स्थूल कथन है नवे गुणस्थान तक, और स्थूल कथन किसका? चरणानुयोग वालों का। वे तो छठे गुणस्थान में ब्रह्मचारी कहने लगते, लेकिन कर्णनियोग कहता है ऐसा नहीं, नवे गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा है, चार संज्ञा है, आहार भय मैथुन परिग्रह। आहार संज्ञा कब तक चलेगी? आहार संज्ञा छठवे तक ही चलती है। भोजन कब तक करेंगे मुनिराज? छठवे तक। भय कब तक चलेगा? भय भी चलेगा, सुनिए, भय भी चलेगा नवे गुणस्थान तक। अभी अभी तो अपन ने लिखा नवे गुणस्थान के पांचवे भाग तक, समझ में आ रहा है सबको? ओके ठीक है, नवे गुणस्थान के पांचवे भाग तक, और फिर मैथुन चलेगा छठे भाग तक नवे गुणस्थान, और परिग्रह चलेगा दसवें गुणस्थान तक। सूक्ष्म लोभ है ना, सूक्ष्म सांप्र, वो परिग्रह में आएगा, समझ में आ रहा है आपको? बैठिए, अभी 347 पृष्ठ खोलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, 347 पृष्ठ खोलिए।
मिल रहा है? अभी आप नीचे का पैराग्राफ पढ़िए, पढ़िए नीचे का पैराग्राफ सब, एक जन पढ़ो कोई खड़ा रहकर। 347 पृष्ठ लास्ट पैराग्राफ पढ़े। हाँ कहाँ पढ़ रही है? 247 कथन दो प्रकार का है, एक स्थूल रूप है एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और सूक्ष्मता से नवे गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही। पकड़ में आ रहे हैं सबको? बस ये प्रकरण पढ़ना था, ये अपना हो गया, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है? अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको, है ना? देखिए थोड़ा सा मुझे पढ़ के दिखाना है अभी थोड़ा सा। हाँ देखिए फिर से मैं बोलता हूँ, ये पेज नंबर है 315 गोमटसार कर्मकांड भाग दो, इसमें उदय की अपेक्षा चर्चा है। इसमें यह लिखा है अपूर्व करण आठवें गुणस्थान तक हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का उदय है। अभी अभी क्या देखा था हमने? सत्ता उसकी नवे गुणस्थान तक रहेगी, पांचवे भाग तक सत्ता, नवे गुणस्थान के पांचवे भाग तक सत्ता कहीं, लेकिन उदय में आठवें गुणस्थान तक रहेगा, उदय में नहीं आएगा नवे गुणस्थान में। क्या क्या? हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा उदय में नहीं आएगा। हाँ जो वेद है ना, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये तीनों वेद सत्ता में भी है नवे तक, और उदय में भी नवे तक आते हैं। ये समझ में आया? ये लिख लीजिए आप। और संज्वलन क्रोध मान माया लो माया, इसका भी उदय कहा तक नव्य गुणस्थान तक, इसका भी उदय कहेंगे, और सत्ता में तो कहा ही है। मतलब फरक मात्र हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये 6-9 कषाय है ना, इनमें थोड़ा फर्क पड़ गया। आठवे तक उदय और नवे में सत्ता, वो भी कौन से भाग तक? पांचवे भाग तक। ओके सत्ता नपुंसक वेद की कहा तक? तीसरे भाग तक। स्त्री वेद चौथे भाग, और पुरुष वेद छठवें भाग तक। ये सत्ता की बात थी, अब ये मैंने उदय की बात की। थोड़ा सा इतना सा समझना, बोलो। हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो अब चलो। ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब लिंग प्रारंभ करना है हमें, लिंग प्रारंभ करें करना है क्या? हाँ हो गया ना, हाँ मैंने एक ही लाइन तो कराई है उसकी, अपने मतलब की करा रहे हैं ना अपन। नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ और उदय की अपेक्षा बताओ तुम, मैं अनंत अनुबंधी का उदय कहाँ रहेगा? दूसरे अपने सत्ता की अपेक्षा क्या देखा था? अनंत अनुबंधी की सत्ता ज्यादा से ज्यादा सातवें तक रहेगी, मतलब सातवें में क्षय होगा, ठीक है, क्षय सम्यक दृष्टि का। उससे आगे अनंत अनुबंधी के उदय नहीं होगा, सॉरी सत्ता नहीं होगी। और अनंत अनुबंधी के उदय अपेक्षा बात करो तो अनंत अनुबंधी का उदय दूसरे गुणस्थान तक चलता है। क्या कहा? भूल गए आप? दूसरे गुणस्थान सासदन सम्यक गुणस्थान कैसे बनता है? संजो अनंत अनुबंधी का उदय। तो इस प्रकार हमने अभी अभी क्या देखा, कौन बताएगा? हमने अनंत अनुबंधी अप्रत्यक्षण और प्रत्यक्षण और संज्वलन, ये जितनी भी कषाय है इन कषाय का हमने उदय और सत्ता इनकी अपेक्षा चर्चा की। ओके और अनंत अनुबंधी का भी बंध ये चौथे गुण ये दूसरे गुणस्थान तक ही होता है, जैसा उदय वैसे बंध है इसका। तो बोलो ये चरित्र मोह का जैसे बंद है वैसे उदय है, जैसे अप्रत्यक्षनावरण का उदय चौथे तक, बंद भी चौथे ही में है, प्रत्यक्षनावरण का उदय पांचवे में है तो बंद भी वहीं पर है। इतना थोड़ा समझना, बोलिए। तो दोनों कषाय में तो दोनों लेने हैं,
नब्बे में क्या क्या फिर से मतलब के भाग में अच्छा नब्बे हाँ वो तो सत्ता है वो सत्ता है नब्बे के गुणस्थान के दूसरे भाग में अपने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वो तो सत्ता सत्ता तो बनी उपशम श्रेणी वाला है आप समझ रहे मेरी बात को नहीं नहीं क्षपक श्रेणी वाले को भी वही परोक्षय करेगा फिर उसके अंत समय में तो वहां तक सत्ता बनी रहेगी उसकी नव्य गुण स्थान तक लेकिन बंधेगा नहीं वो तो पहले बांधव वाला है स्टॉक में जैसे तीर्थंकर प्रकृति चौथे में बांधता है और फिर उदय आते आते तेरहवें तक आती रहती है आप समझ रहे चलू मैं आगे वो बंधन की बात अलग और उदय की बात अलग जैसे अरहंतों के अभी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है लेकिन बांध रहे क्या अभी कोई आयु क्योंकि अभी तो निर्वाण को प्राप्त होना अरहंतों को तो बंधन और उदय में थोड़ा अंतर पड़ेगा और सत्ता में पहले बांधी हुई सत्ता में पड़ी रहती है अब हमने कषाय की पूरी चर्चा की क्या क्या चर्चा की उदय की भी चर्चा की बंध की भी चर्चा की सत्ता की भी चर्चा की है चलू मैं आगे आगे चलते हैं अभी लिंग की चर्चा प्रारंभ करनी है अभी लिंग की चर्चा लिंग कितने गिनाए हैं तीन गिनाए हैं वो सूत्र कौन बोलेगा सूत्र बोलिए गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञात असह्यत असिद्धत्व लेशा चतुष्त्रय कई 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 षड भेदा ऐसा है ना सूत्र तो गति चार कषाय चार और लिंग तीन अभी तीन लिंग कहे हैं तीन लिंग में अपने कितने गर्भित कर लिए थे और छह बचे हुए हस्य रति रति शोक भय जुगुप्सा याद आ रहे हैं तो इस प्रकार तीन लिंग की जगह कितने पढ़ने आपको नौ नौ कषाय शामिल है इसमें तो तीन लिंग वैसे कौन से दिए इन्होंने स्त्री पुरुष और नपुंसक अभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप इस प्रकरण को अभी ठीक है प्रकरण थोड़ा अभी नया चलेगा देखिए अभी अभी इनका प्रश्न था आप तक का कि क्या बात कर रहे हैं पुरुष वेद तो चौदह गुण स्थान तक होता है ना और मैंने कहा नहीं नहीं ये पुरुष वेद नवे गुण स्थान तक छठवे भाग तक मैंने बोला तो इसका मतलब क्या लेना बराबर इसमें मैंने उस दिन भी आपको थोड़ा सा संकेत किया था द्रव्य वेद और भाव वेद द्रव्य वेद मतलब ये बाहर का आकार प्रकार जो किसके कर्म के निमित्त से है नाम कर्म और अंदर का जो विकार परिणाम जिसको वेद कह रहे भाव वेद वह चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से समझ में आया तो देखो श्वेतंबर भाई इसीलिए तो भटके हैं धवल में एक प्रकरण आता है स्त्री वेद से मुक्ति होती है क्या कहते हैं वे तो श्वेतंबर भाई ने क्या धोखा खाया उन्होंने कहा महिलाओं की भी मुक्ति होती है और देखो मल्लीबाई को भी मुक्ति हो गई जबकि प्रकरण कौन सा चल रहा था भाव वेद का चल रहा था भाव वेद का प्रकरण चल रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई द्रव्य से तो पुरुष ही चाहिए क्यों देखिए द्रव्य स्त्री कभी भी नग्न अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती और यदि होगी तो निश्चिंत वो कभी नहीं रह सकती निरंतर उसको शील के आक्रमण की आशंका बनी रहती है कोई भी उसके शील पर आक्रमण कर सकता है ठीक है क्योंकि उसके शरीर की रचना अंगोपांग ही वैसे है एक नग्न महिला को कोई देखना पसंद नहीं करता मल्लीबाई सभी समोचरण के बीच में खड़ी रही श्वेतंबरों को प्रश्न पूछा दिगंबरों ने कैसा भद्दा लगता है और फिर कहते हैं ठीक है मल्लीबाई तीर्थंकर हुई कहना ना आपका हम तो ये कहते मुनि भी नहीं हो सकते और तुम क्या मान रहे हो तो हम ये कह रहे फिर एक हाथ तो प्रतिमा स्थापित करके दिखाओ ना फिर उनकी यदि हुई है ना तो फिर आप क्यों नहीं स्थापित करते प्रतिमाएं आप तो प्रतिमाएं चाहे जिसकी स्थापित करते हो मल्लीबाई की स्थापित नहीं करते तो फिर आपको क्यों शर्म आती है और जब आपको प्रतिमा स्थापित करने में शर्म आ रही है तो जीवंत वहां पर वो खड़ी रही होगी उसमें कोई भद्दा नहीं लगा होगा क्या इसका मतलब कि स्त्री वेद
द्रव्य वेद स्त्री हो तो वह मुनि हो ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा उसका गुणस्थान हो सकता है पांचवा, आर्यिका साध्वी बन सकती है, और नग्न अवस्था के बिना छठवा सातवा गुणस्थान नहीं होता, आप समझ गए, और अंतरंग में भी इतना प्रचुर स्व संवेदन नहीं होता, आप समझ गए मेरी बात को। आर्यिका को उपचार से महाव्रती कहा है, क्या कहा, आर्यिका को उपचार से महाव्रती कहा है, लेकिन आयलक को उपचार से भी महाव्रती नहीं कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि महिला जहां तक जा सकती है वहां पर वो गई है, इसलिए उसको उपचार से महाव्रती कहते हैं। लेकिन पुरुष में जहां तक जा सकते हैं वहां तक थोड़ी वे गए हैं आयलक, इसलिए उनको उपचार भी नहीं है महाव्रती का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने क्या बताने का प्रयास किया। जहां जहां भी प्रकरण आएगा स्त्री वेद से मुक्ति, वहां वहां पर समझना ये द्रव्य वेद की अपेक्षा चर्चा नहीं है, ये भाव वेद की अपेक्षा चर्चा है। और एक जगह प्रकरण आया, हम थोड़े दिन पहले सर्वार सिद्धि पढ़ रहे थे, तो सर्वार सिद्धि में एक बात आई, स्त्री भी क्षायिक सम्यक तो कर सकती है, आपको बताया था मैंने, स्त्री भी क्षायिक सम्यक तो कर सकती है। तो एकदम चौंक गए सब, स्त्री कैसे कर सकती, क्योंकि गोमटसार कर्मकांड में तो गाथा है जिसमें ऐसा लिखा कि कर्मभूमि हो मनुष्य हो वो ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, और वह भी केवली श्रुत केवली के पादमूलों में। तीन शर्तें बताई, कौन कौन सी, एक तो मनुष्य हो, पहली बात देवदार की तिरेंच ना हो, बात एक, और मनुष्य में भी मनुष्य ही ना हो, मनुष्य ही हो, मनुष्य ही हो, और वह भी मनुष्य भोग भूमिका ना हो, कर्म भूमिका हो, और वह भी केवली श्रुत केवली के पादमूल वाला हो। ये तीन शर्तें वालों को ही क्षायिक सम्यक्त्व तो कहा है। तो एक प्रश्न उत्पन्न हो गया सबको, क्या प्रश्न उत्पन्न होना जायज है, प्रश्न क्या उत्पन्न हो सकता है, बोलिए। तो यहां पर स्त्री को क्षायिक सम्यक्त्व तो कैसे बोल रहे, तो वहां पर फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने प्रस्तावना में ही सर्वार सिद्धि के वहां पर स्पष्ट खुलासा किया है कि यहाँ पर जहां जहां वेद की चर्चा आएगी वो बहुलता से भाव वेद की चर्चा है। बार बार आचार्य देव बताते नहीं है ये भाव वेद की चर्चा है, ये द्रव्य वेद की चर्चा है, बताते है क्या ऐसा, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप समझ लेना जहां जो प्रकरण है वहां पर वो समझ लेना। और श्वेतंबर भाई ने बस यही भूल की और वे द्रव्य वेद से महिलाओं को मानते हैं, ठीक है। देखो इसका कई प्रमाणों से हम इसकी सिद्धि कर सकते हैं। आज भी श्वेतंबर भाइयों में जो प्रमुख आचार्य वगैरह निश्चित किए जाते हैं ना पूरे देश भर में, वो आज तक भी महिलाओं को नहीं किया है उन्होंने, महाप्रज्ञ तुलसी वगैरह नामांकन जो होते हैं पुरुष के रूप में करते, तो फिर आप पुरुष के रूप में क्यों करते हो, मतलब आप में आपने भी तो मान ही लिया ना, क्या मान लिया कि लड़की महिला में उतनी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं हो सकती, आप मान ही रहे, और फिर हम कह रहे हैं एकाध तो उनके भगवान की प्रतिमा स्थापित करके दिखाओ ना फिर आप मल्लीबाई की, आप कह ही रहे हो तो फिर आप ही कोई शर्म आए तो फिर मानो ना फिर आप बात को, क्या कि महिला कभी भी मुक्ति को नहीं जा सकती और महिला मुनि भी नहीं हो सकती, समझ में आ गया क्या कहा। मुक्ति को जाने के लिए तो तीन संगनन चाहिए, उत्तम संगनन, कौन से उत्तम संगनन, वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ये तीन संगनन चाहिए मजबूत। और ये तो श्वेतंबर भाई भी मानते हैं कि महिलाओं को कर्मभूमि में उत्तम संगनन नहीं मिलते। तो प्रश्न पूछा फिर दिगंबरों ने, क्यों भाई आप महिलाओं की भी मुक्ति की बात करते हो, तो हम पूछते हैं आपके ग्रंथों में यह बात आई है कि वज्र ऋषभ नाराज संगनन के बिना मुक्ति नहीं, कह रहे हाँ बिल्कुल आई है, और बराबर ये मानते हो महिलाओं को कर्म भूमि में तीन उत्तम संगनन मिलते नहीं, भोग भूमि में तो सबको उत्तम संगनन होते हैं, तो इन दोनों में से भी क्या सिद्ध हुआ, दोनों में से तो उन्हीं के ग्रंथ में आई ये दोनों बातें, उन्हीं के ग्रंथ में ये दो बातें हैं, फिर भी वे हटाग्रह से महिलाओं को मुक्ति मानते हैं, ठीक है। हल्के तीन संगनन से मुनि तो हो सकता है, श्रेणी नहीं चढ़ सकता, लेकिन हल्के तीन संगनन वो महिलाओं के हो तो उससे उसको मुक्ति मुनि भी नहीं हो सकती, हो आर्यिका तक जा सकती है। बोलिए क्या है, बोलो भाई कोई उत्तर, अभी वही तो कह रहा हूं मैं, हल्के तीन संगनन वाले श्रेणी नहीं चढ़ सकते,
ठीक है, और क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला वज्रषभ नाराज संगनन वाला ही चाहिए। उपशम श्रेणी वाले जाने वाले में से वो ऊपर के दो संगनन चाहिए, वज्र ऋषभ नाराज संगनन को छोड़कर वज्र नाराज और नाराज, ये दो संगनन वाले उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। और हल्के तीन संगनन है, अर्धनाराज कीलक और असंप्राप्त सरपाटिका संग, ये जो है हल्के तीन संगनन उससे मुनि हो सकता है, निरतिशय अप्रमत्त संयत गुणस्थान की प्राप्ति कर सकता है, सात्विक गुणस्थान का पूर्वार्ध भाग। समझ में आया? अभी शंका का समाधान हो गया आप? पुरुष वेद का उदय कहां तक रहता है? तो ये भाव वेद की अपेक्षा चर्चा करेंगे, और प्राय भाव वेद की अपेक्षा ही चर्चा चलती है, तो नव्य गुणस्थान के सवेद भाग तक, छठवां भाग तक। और द्रव्य पुरुष वेद की बात करेंगे तो पुरुष आकार अंगोपंग ये चौदह गुणस्थान तक चलेगा द्रव्य पुरुष वेद। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो लिंग की चर्चा हमारी हुई है। मैं महत्वपूर्ण कल एक चीज बताऊंगा आपको, वैसे इनको बताई है सबको, आप लिख लेंगे जल्दी जल्दी, तो मैं बताता हूं दो तीन मिनट में। कषाय और नो कषाय में अंतर लिखाने हैं हमको आज, कषाय और नो कषाय। आप सबको लिखाए थे ना कषाय और नो कषाय? नहीं आया अभी? आप भी फिर से सुनिए। नो कषाय मतलब होती है ईषत कषाय, ईषत किंचित कषाय, और कषाय तो कषाय है, वो तो किंचित है ही नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनेगा कषाय विशेष स्थिति और अनुभाग डालने में समर्थ है, और नो कषाय विशेष स्थिति और अनुभाग डालने में समर्थ नहीं है। दो पॉइंट्स लिख लिए सबने? लिख लिए अनुभाग? समझ में कितने जन को आ रहा है? उतनी ताकत नौ कषायों में नहीं हो सकती जितनी ताकत कषायों में होती है, और अधिक स्थिति भी नहीं हो सकती जितनी क्रोध आदि की स्थिति हो सकती है और अनुभाग हो सकता है, उतनी हास्य रति आदि की स्थिति नहीं ही हो सकती। दो पॉइंट्स हो गए, तीसरा पॉइंट लिखिए, नो कषाय जब भी उदय में आएगी स्वतंत्रता से नहीं आ सकती, किसी कषाय के सहारे ही उदय में आती है। ठीक है, आगे लिखो, नवे गुणस्थान तक क्रोध मान माया लोभ सभी एक साथ बंधते रहते हैं। कषाय का बंध एक साथ होता है सभी, ये कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग? फोर चल रहे ना, फोर चल रहे ना, लेकिन ऑपोजिट में क्या लिखोगे? नो कषाय में ऐसा नहीं है, रति अरति हस्य शोक इन इन युगलों में से हास्य, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले यहां पर देखिए आप, या तो हास्य या तो शोक, इन दोनों में से एक का ही बंध होगा एक समय में, या रति या अरति इन दोनों में से एक का बंध होगा, और तीन वेद में से भी मात्र एक का ही बंध होगा एक समय में। लेकिन क्रोध मान माया लोभ का ऐसा नहीं है, उन चारों का बंध एक साथ होता है। रहस्य की बात है ये भी। क्या रहस्य की बात है? उदय में तो कोई एक ही आएगा हमेशा, क्रोध या मान या माया या लोभ, लेकिन करो कुछ भी बंधन होता है चारों का। एक कितने जन समझ रहे हैं? करो कुछ भी, क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो, लेकिन बंधेगा तो चारों, बनते समय चारों एक साथ बंधेंगे, लेकिन उदय में कोई एक ही आएगा एट ए टाइम। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? चार हो गए। अब क्या रहा? हाँ, नो कषाय का उदय आठवें गुणस्थान तक रहता है, और कषाय का उदय दसवें तक रहता है, और सत्ता में क्या लिखोगे? सत्ता में
नौ कषाय की सत्ता नवे गुण स्थान तक है और कषाय की सत्ता दसवें गुण स्थान तक है। क्या बात है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लोगे, क्रोध मान मायलो इस तरफ लिखो और इस तरफ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। ओके, कितने पॉइंट्स हो गए अपने? एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है इनको, अब बाद में ले लेना इनसे। चलो बस हो गया, अभी कल देखते हैं। बस ओम नमः।